अब जो आगे वाला हम पीछे कर रहे थे sec x का समाकलन log sec x प्लस से tan x प्लस सी, अब दूसरों तरीकों कैसे करते हैं sec x को, साइन और कोस में चेंज कर दो बेटा इसको, क्या करेंगे हम साइन और कोस, sec x है 1 अपॉन cos x, tan x है वो साइन x अपॉन cos x है, कि log sec x 1 बटे cos x प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस में सी, अब क्या जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, एलसीएम इसका लेंगे 1 प्लस साइन एक्स लोग 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस में सी, अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस में सी है, इसको क्या करेंगे इस हाफ एंगल में तोड़ लेंगे, 1 को साइन स्क्वायर एक्स वाई टू की 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस में कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स के स्थान पर 2 साइन एक्स वाई टू डॉट कोस एक्स वाई टू होता है, 2 साइन एक्स वाई टू डॉट है कोस एक्स वाई टू, तो 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस में 2 साइन एक्स वाई टू डॉट कोस एक्स वाई टू, और इस कोस एक्स को अब देखो ऊपर वाला भी हम साइन और कोस में अंश वाला भी करें तो हर वाला भी साइन और कोस में हो जाएगा, कैसे कि कोस एक्स का जो फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू होता है, कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, कोस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, ये क्या होगा साइन एक्स वाई टू प्लस में कोस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, के लोग कोस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू का होल स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्या करते हैं एक बार प्लस और एक बार माइनस कोस एक्स वाई टू प्लस में साइन एक्स वाई टू डॉट कोस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू कैंसिल, अंश और हर में प्लस में सी लगाते रहना, अंश और हर में टेन में चेंज करेंगे तो कोस एक्स वाई टू का भाग देंगे, अंश और हर में किसका भाग देंगे कोस एक्स वाई टू का भाग देंगे, अंश और हर में कोस एक्स वाई टू का भाग देने पर तो कोस एक्स वाई टू कोस एक्स वाई टू कैंसिल, क्या जाएगा लोग 1 माइनस टेन एक्स वाई टू बटे 1 प्लस टेन एक्स वाई टू प्लस में सी, अब टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला लग जाएगा सूत्र कि टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी बटे में 1 प्लस टेन ए डॉट टेन बी होता है, 1 प्लस टेन ए डॉट टेन बी, अब एक के स्थान पर कितने का एक मान होता है टेन के अंदर, अवकलन में हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं एक किसका मान होता है टेन पाई बाई फोर का, किसका मान होता है टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का मान एक होता है, तो लोग टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स वाई टू 1 प्लस, इसके गुणा में एक कर सकते हैं, इस एक को एक रहने दें, क्यों देंगे सूत्र के हिसाब से टेन पाई बाई फोर डॉट टेन एक्स वाई टू प्लस में सी, टेन
क्या आ जाएगा, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स वाई टू हो जाएगा। तो देखिए लोगे टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स वाई टू प्लस में सी आ जाएगा। दोबारा देखो इसको, वन प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, वन के स्थान पर हम क्या कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाई टू, साइन एक्स के स्थान पर क्या करेंगे टू साइन एक्स वाई टू डॉट ए कोस एक्स वाई टू, वन प्लस साइन एक्स इसका फॉर्मूला बना जाएगा। फिर कोस एक्स कोस टू एक्स का जो सूत्र होता है ये साइन और कोस में, तो ये भी हम क्या करेंगे साइन और ए कोस में चेंज करेंगे। तो कोस टू एक्स का, कोस टू एक्स का जो सूत्र होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, एक बार प्लस और एक बार माइनस, अंश और हर में किसका भाग देंगे कोस एक्स वाई टू का। फिर हमारे पास 1 के स्थान पर 10 पाई वाई फोर माइनस टेन एक्स वाई टू बटे 1 प्लस टेन पाई वाई फोर डॉट टेन एक्स वाई टू, किसका फॉर्मूला होता है ये टेन ए माइनस बी का, ए का मान पाई वाई फोर बी का मान एक्स वाई टू, तो टेन पाई वाई फोर माइनस एक्स वाई टू प्लस में सी आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार कोसेक एक्स का देखिए समाकलन कैसे करते हैं, या आप अपनी रफ कॉपी में नोट करना ये फॉर्मूले जो अभी जो करवा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे वीडियो देख के, आप सेम टू सेम रफ कॉपी में नोट करना। कोसेक एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स, इनका कैसे करते हैं समाकलन, कोसेक एक्स डी एक्स से इनका समाकलन हम जैसे सेक एक्स का किया था ना, सॉरी हमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, या माइनस कर दें क्योंकि माइनस आता है ना कोसेक एक्स में, कोसेक एक्स कोटेक्स का गुणन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोटेक्स का गुणन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो अंश और हर में कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स का गुणा करेंगे, इसमें अंश और हर में किसका गुणा करेंगे कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स का, अंश और हर में कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स का गुणा करने पर, तो I बराबर कोसेक एक्स गुणा कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स डी एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स। अब इसको कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स बराबर हम क्या मान लेंगे T मान लेंगे, क्या मान लेंगे T, कि माना कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स बराबर टी, माना कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे कोसेक एक्स का, क्या अवकलन होगा माइनस कोसेक एक्स डॉट कोटेक्स, कोटेक्स का क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का होता ना माइनस टू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और डी एक्स बराबर डी टी, टी का अवकलन डी टी, इसमें कॉमन क्या आ रहा है कोसेक एक्स, क्या कॉमन आ रहा है कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स कॉमन लेंगे क्या आएगा कोसेक एक्स, ये प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, माइनस का कोटेक्स डी एक्स बराबर डी टी,
आ गए ना। तो डेटी पॉन इसका जो मान है वो क्या आ गया, डेटी नीचे वाला हम क्या हर वाला वो मान क्या मान रहे हैं हम टी, तो डेटी पॉन टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेटी पॉन टी। तो डेटी पॉन टी क्या होगा इसमें आकलन लोग टी प्लस में सी, टी का मान क्या मान रहे हैं हम टी का मान कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, तो लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में सी आ जाएगा, लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में सी। तो दोबारा देखो अंश और हर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का हम क्या करेंगे गुणा, क्यों करेंगे भी गुणा, क्योंकि हम इसका जो अवकलन करते हैं कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स तो ऊपर वाला अंश वाला पूरा अवकलन आ जाता है इनका, तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर टी, इनका अवकलन करेंगे कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स माइनस कोट एक्स का, माइनस कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, कोसेक एक्स कॉमन लेंगे कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस का होगा माइनस का कोट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी टी पॉन टी क्या होगा इसमें आकलन लोग टी प्लस में सी, टी का जो मान है वो क्या है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में सी। अब लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में सी, साइन और कोस में बदल लीजिए इसको, क्या करेंगे साइन एक्स कोसेक एक्स एक बटे साइन एक्स, कोट एक्स है वो क्या होगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो देखिए लोग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स साइन और कोस में कोसेक एक्स एक बटे साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस में सी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा साइन एक्स लघुतम लेंगे लोग साइन एक्स लघुतम लेंगे क्या आएगा एक माइनस कोस एक्स प्लस में सी। अब एक माइनस कोस एक्स क्या होता है बताओ कोस टू एक्स का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, हाफ एंगल में पक्षांतरण करेंगे टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू वन माइनस कोस एक्स होता है वन माइनस कोस एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा हाफ एंगल में टू साइन एक्स वाई टू डॉट ए कोस एक्स वाई टू, टू साइन एक्स वाई टू डॉट ए कोस एक्स वाई टू। तो लोग क्या आएगा कोस एक्स वन माइनस कोस एक्स टू साइन स्क्वेयर एक्स वाई टू, साइन एक्स का टू साइन एक्स वाई टू डॉट कोस एक्स वाई टू प्लस में सी, टू से टू कैंसिल साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या होगा टेन, लोग टेन एक्स वाई टू प्लस में सी आ जाएगा। या समझ में आएगी कैसे एक बार दोबारा समझिए कोसेक एक्स माइन डी एक्स है तो कोसेक एक्स अंश और हर में कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का गुणा करेंगे, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का गुणा करने पर हमारे पास टी मानेंगे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर टी, कोसेक एक्स का अवकलन क्या होगा कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स, कोट एक्स का क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाए, फिर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला पहले लिख दिया माइनस वाला बाद में लिख दिया डी एक्स बराबर डी टी, डी टी पॉन टी क्या आएगा लोग मोड टी प्लस में सी, टी का मान कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब इसको साइन और कोस में दोनों फॉर्मूले बेटा साइन एक्स कोसेक एक्स है इसको एक बटे साइन एक्स
कोट एक्स है वो क्या करेंगे, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। लघुतम लेंगे 1 अपॉन साइन एक्स, फिर 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होगा 2 साइन एक्स वाई टू डॉट है कोस एक्स वाई टू, कितना आ जाएगा 2 कट गयो, साइन अपॉन कोस क्या जाएगा टेन एक्स वाई टू प्लस में सी। क्लियर है, थैंक यू, अब आगे वाले वीडियो में करेंगे।